बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश और खुर्रम होंगे, और हम भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अल्लाह में नजर बस से बचाए आप लोगों को भी और हमको भी। अच्छा, तो आज मैं जो बना रही हूँ चिकन स्टीम बना रही हूँ, तो इसके लिए पहले मैं सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही अपना और ना आप लोगों का, तो इसके अंदर कट लगाऊंगी मैं, ऐसे थोड़े से डीप करके लगाऊंगी कट ऐसे। और इसको स्टीम करने का एक नया तरीका है, ये लास्ट पीस है, ये भी कर दिया मैंने। अच्छा, इसके अंदर अभी मैं नमक लगाऊंगी इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। एक चमचा भर के लूँगी मैं नमक का, सही, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा इसके अंदर ये विनीगर डालूँगी, एप्पल का विनीगर है ये, अगर आपके पास सादा है तो आप सादा भी डाल सकते हैं, तो मैं इसको एप्पल का डालूँगी, थोड़ा सा अच्छा डालूँगी ताकि इसके अंदर हो जाए। इसको अच्छी तरह से ये विनीगर और नमक मिला के इसको मैं कम से कम आधे घंटे के लिए रख दूँगी इसको ऐसे। बाकी मसाले मैं जब वो करूँगी इसको स्टीम करूँगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, अभी तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। अच्छा, ये मैरिनेट हुए हुए कम से कम आधा एक घंटा हो चुका है इसको ना, तो इसको मैं थोड़ा सा इसका साइड चेंज कर दूँ जब तक मैं इसमें मसाले लगा रही हूँ। अच्छी तरह लग चुका है वैसे ये इसमें सामान सारा इसका। इसके अंदर मैं पहले ये दही लूँगी, दही का पानी नहीं लूँगी, गाढ़ा गाढ़ा दही लूँगी बस, ये इतना लूँगी कि आराम से ही लग जाए ज़्यादा ये बस। अच्छा, ये सबसे पहले मैं इसके अंदर गार्लिक पाउडर लहसुन डालूँगी मैं, एक टीस्पून के बराबर, ये देखिए इतना सा है ना, ये एक टीस्पून के बराबर ले लिया मैंने इसके अंदर। और ये जिंजर पाउडर है, ये भी एक ही टीस्पून के बराबर लिया है मैंने। अच्छा, इन दोनों को हटा दो यहाँ से। अच्छा, अब इसके अंदर ये कश्मीरी मिर्च चाहिए, तो ये कलर के लिए ले रही हूँ और टेस्ट के लिए ले रही हूँ ये कश्मीरी, तो ये मैंने कम से कम 2 टीस्पून के बराबर लिया है। मैरिनेट पहले क्यों नहीं किया? मैरिनेट नहीं, मैरिनेट करने के लिए वो बस उसमें कर लिया था ना मैंने इसको, नमक में और सिरके में। अच्छा, इसके अंदर ये हल्दी डाल दी मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ये मिर्चें डालूँगी, मिर्चें कम से कम ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, तो वो तेज़ इसलिए नहीं होंगी कि वो निकल जाएगा पानी इसका। अच्छा, नमक मैंने लगाया हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, जो जितना इसका चिकन का पानी था सब रिलीज़ हो गया इसमें से। मैंने दोनों हाथ में क्यों ग्लव्स पहने, ये तो एक ही हाथ से काम चल रहा है मेरा। चलो कोई बात नहीं, ग्लव्स ज़्यादा है हमारे पास नहीं, मैं उतार के इसको साफ करके रख दूँगी, एक गंदा हो गया, एक फेंक दूँगी, एक रख दूँगी। चलो ये देखें, सब अच्छी तरह से इसमें लगा दूँगी मैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। हाँ, अच्छा, ये पानी को मैंने अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लिया, ये अब इसके अंदर ये रख दूँगी स्टीम देने के लिए, सही, इसके अंदर स्टीम आ रही है ना, ये देखो। अब मैं इसको, हाय मेरी, हाय मेरी मनी, नज़र लग गई बाद में करेंगे, हमें खुद ही अपनी चीज़ें अच्छी लगने लगती है ना इसलिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब इसको मैं इस तरह रखती जाऊंगी, ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया मैंने इसके अंदर, सही है, इसका सॉफ्टनेस देखिएगा कितनी होगी माशाल्लाह, ये मैंने सब अंदर तक लगाया भाई, ये इसके अंदर मसाला। ये सब लग गया इसके बाद, अच्छी तरह से लग गया मसाला, और ये बचा हुआ है ना ये भी डाल दूँगी मैं सीधे ऊपर, ये भी मैं डाल दूँगी। कितने मिनट? ये कम से कम ये एक घंटा ना, एक घंटा पूरा सिलेंडर ही मेरा ख़त्म हो जाएगा एक घंटे में, 10 से 15 मिनट, ये देखिए। तो हम मिलते हैं आधे घंटे बाद, और इसके ऊपर मैं कवर भी कर दूँगी ताकि ये जो स्टीम है ना इसकी निकले नहीं बाहर। अच्छा, ये जो है ना ये सब कवर्ड हो गई है, इधर ये कवर आ गया है, ये लीड आ गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको दिखाती हूँ निकालते हैं क्या इसका हशर नशर हुआ है। ये मैंने इसके ऊपर इसलिए रख दिया था कि स्टीम से ना वो पानी गिरता रहता है ये लीड से। अच्छा देखो, अभी हम मैं निकाल के आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह बनी तो बहुत प्यारी सी है, अभी मैं दिखाती हूँ सब।
स्टीम चिकन रेडी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको इसको तोड़ के काट के भी दिखा देती हूँ कि मतलब इसके अंदर कोई ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखें, अंदर तक से देखें, पूरी पक चुकी है वो तो। और बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट बहुत है ये। और ये, और ये रायता बना दिया है मैंने, ग्रीन रायता। अब आप केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, हम लोग देसी लोग हैं इसलिए रायते के साथ ही ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, टेस्टफुल लगेगा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसका और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि देखिए इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, स्टीम चिकन है ये और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। अच्छा, इसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने के लिए अंदर, कि इतनी देर मैंने इसको स्टीम पर रखी, इतनी देर में मैंने रोटी बना ली, तो ये सब मेरा रेडी हो चुका है। आप लोग बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, आपके लिए भी आसानियां, हमारे लिए भी अल्लाह ताला आसानियां करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।